मैं आ चुका हूँ मुंबई से वापस। फिर हम सोच रहे हैं पहले थोड़ा सर्चिंग करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बहुत सारे काम करने वाले हैं। क्या क्या काम करने वाले हैं वो धीरे धीरे आपको पता लग ही जाएगा। अभी जस्ट मैं फियांशु और राहुल का वेट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, फिर हम निकलेंगे हमारे काम के लिए। तो मेरे लोग भी बने रहिए देखने के लिए कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। नजारे कितने आई जाते हैं तो कदे जाई। भाई लड़का स्मार्ट लग रहा है देखो। गाइस मैं आ चुका हूँ मुंबई से वापस। साला झूठ बोल रहा है। हाँ क्या बोल रहा था? हाँ बोल बोल। सच नहीं बताना। वो पुरसा की पुरसा। ये ब्रो राहुल इज बैक। यो राहुल गांधी चले इसकी आज इसकी को इसकी गर्लफ्रेंड से मिलाने लेके जा रहे हैं। ये ब्रो चलो मेरी गर्लफ्रेंड से मिलाने। कमेंट बॉक्स में बताओ इसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है। तो गाइस राहुल जा रहा है स्टूडियो क्योंकि हमारा एडिटिंग का सारा काम राहुल ही संभालता है। मेरा ही नहीं, हमारा और भी हमारे छोटे छोटे सारी चीजें वही बिजनेस वही संभालता है। काम मैंने अभी बताऊंगा नहीं हम क्या करने जा रहे हैं। इधर डायरेक्ट आपको लोकेशन पे लेके जाता हूं फिर दिखाते हैं। एक काम या तीन काम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना। आज सारे काम निपटा देना क्योंकि संडे है, संडे का अच्छा फायदा उठाना हमने। तो गाइस आज इन्होंने सुबह सुबह ही बोल दिया है कि हम कहीं जा रहे हैं लेकिन पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। बताइए सर क्या जा रहे हैं। मैं ना काफी दिनों से एक चीज के पीछे पड़ा हूं। सोच मैं क्या सोच रहा था कि तेरे को बोला था मैंने कि कुछ करने के लिए जाना, मतलब ऐसा ऑप्शन होना चाहिए ना कि हम यहाँ जा रहे हैं या कुछ करवा रहे हैं। फिटनेस से लेके है वो चीज जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो मैंने बताया कि एक काम नहीं आज तीन काम करेंगे, तो पहला काम वो करने जा रहे हो जो हमारी फिटनेस से रिलेटेड है। देखते हैं गाइस, अभी मेरे लिए भी सस्पेंस है और आपके लिए भी सस्पेंस है। वो लोग में बने रहिए और देखते रहिए कि क्या होने वाला है आज। यहाँ पे थोड़ा सा हमें रिसर्च करनी पड़ेगी तो हम आए एक डॉक्टर के पास। जैसे कि आप देखते हो मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर जो होते हैं अपनी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए अपनी ग्रोथ के लिए ना कब थेरेपी कराते हैं वो सबको पता है। तो आप यहाँ कब थेरेपी कराने आए हो? और इसके बाद जो मेरा जो मैंने अभी जस्ट मेरे ट्रेनर है उन्होंने मेरे को एक चीज कराने के लिए बोली, तो वो भी मैं इसके बाद बताऊंगा कब थेरेपी के बाद क्या करने वाला हूँ। पहले हम जाके कब थेरेपी करते हैं फिर देखते हैं ब्रो नेक्स्ट हम क्या करेंगे। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में बाबा। आप इसको यहाँ लेकर आए हो साथ में? गाड़ी में थोड़ा ना बैठाएंगे हम इसको, लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे इसको? शोरूम में पैसा देंगे, पैसा पूरा वसूलेंगे पूरा। इंगा उंगा ये जान है मेरी, ये तो जाएगी है ना वेट। चलो इसकी गाइस अभी जिस डॉक्टर का नंबर हमने मिलाया है उनका नंबर तो सेवा में नहीं है, बोल रहे आज हम सेवा कर ही नहीं सकते आज गौरव सर की। मैं तो टेंशन में आ गया, मैं तो बड़े एक्साइटमेंट से आया था, बड़े दिनों से हमने की नहीं थी। देखते हैं मिल तो जाएगा ही, आज करा के मानूंगा, ऐसे तो चढ़ने वालों में। पहले मेरे को था कि ट्रिपल सी में है तो इसलिए मैं यहाँ पे देखने आया था। अब हम पहले सर्च करेंगे फिर हम जाएंगे। तो गाइस एकदम से हमारा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया क्योंकि कब थेरेपी वाला मिला नहीं। फिर हम सोच रहे हैं पहले थोड़ा सर्चिंग करते हैं कहाँ मिल सकती है आज थेरेपी। कब थेरेपी भाई, कब थेरेपी, कहाँ मिलेगी? तो गाइस वी फाउंड अनदर वन, अनदर वन। फाइनली अगर हमें वहाँ पे कब थेरेपी मिली तो आज हम कब थेरेपी करवा कर ही जाएंगे। तो गाइस फाइनली वी फाउंड कप थेरेपीज। तो गाइस फाइनली डन हो चुका है, सेशन स्टार्ट करेंगे। स्पाइन पे और ये शोल्डर के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एसएमडी जैसे। इससे क्या होता है? इससे वेव्स आपकी बॉडी में एंटर करेंगी और थोड़ा डीप हीटिंग इफेक्ट देगी। जैसे कि आप लेते होगे ना वाटर का, अगर पानी से सेक लेते हो तो जब स्किन और फेशियल तक रहता है, ये मसल्स तक ही प्रोवाइड करती है। हां जो जिम जाते हैं ना उनका स्टिफनेस ज्यादा होती है तो उसके लिए बेस्ट है। मेन स्टिफनेस की वजह से कर रहा हूं मैं, हाथ पैर खुलते ही नहीं है। आज सारे हाथ पैर खुल जाएंगे आपके। ये सर ने बता दिया क्या चीज है। थोड़ी देर में आपको ठीक फील होगी। ये कितने देर का? सब कुछ अलाउड मना कर दिया है कि चैन वैन और फोन वगैरह सब कुछ कुछ भी अलाउड नहीं है। तो आप भी ये बात ध्यान रखें, अगर आप भी करवाने जा रहे हैं कब थेरेपी तो उससे पहले ये छोटा सा प्रोसीजर ही करना पड़ता है। एक सेकंड दे दो ना। कर दे यार, क्या गुंडा बनेगा रे तू। ओके फाइनली। अच्छा ये तो गाइस वहां भैया लेटे या ये लेटे कॉपी कर रहा, तो बोलते कॉपी कैट मेरा कॉपी डॉग टैग पे ना हीट आ रहा है क्योंकि गर्मी लगनी शुरू हो गई है। अभी डॉक्टर ने चेक किया, वो ना एक रेज होती है लाइट वाली, जो लाइट जलती है तो उससे पता लगता है कि जो ट्रांसफर हो रही है ना एनर्जी, इलेक्ट्रो एनर्जी होती है वो बॉडी में सही से ट्रांसफर हो रही है। गाइस मेरे तो ये ऊपर से गया, अगर आपके भी ऊपर से गया तो आप इसको समझने की कोशिश करो क्योंकि मैं भी अभी कोशिश ही कर रहा हूं। गाइस ये कप तैयार हो चुके हैं, क्या करने वाले हैं आज दिखाएंगे आपको वीडियो में। तो आपके वो जो कप है वो रेडी हो चुके हैं, तो आप बताइए उसमें कॉफी पियेंगे चाय पियेंगे? चेस्ट पे भी लगा लो। चेस्ट पे भी रहने, तो पहले बैक का एक बार चेक करते हैं ना, देखते हैं ना कि बैक के लिए मतलब उसमें क्या है, कैसे अच्छा फील हो रहा है, ये कैसा फील हो रहा है। उसके बाद हम भाई दर्द होने लग गया, मैं तो ठीक करने आया था।
अभी मैं फिलहाल ये वाली फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना अभी वाइब्रेशन हो रही है ऐसे सांस ले रहा यहाँ से ले रहा हूँ गाइस फाइनली प्रोसीजर खत्म हो चुका है। ब्लड सारा निकले डर लगता है। मैं तो बचपन में इंजेक्शन लगवाता था, डॉक्टर बोलते दवाई लेकर दवाई इंजेक्शन लगवाना है। आपको क्या दिक्कत है? स्टील बॉडी आपकी तो। आप तैयार हैं? बिना कपड़ों के तैयार? बिना कपड़ों के तैयार हो चुका हूं। क्या होगा वो देखते हैं। Connected high, you and I, pinnacle club, make the vibe. Show me yours, I'll show you mine. You don't have to pretend we're shy. Let's forget the 9 to 5. I just wanna. सिर्फ फिर काम करना, stretching भी करता हूँ और आपके calf की IS strength भी करता हूँ। स्टार्ट हो गया है हमारा कप थेरेपी वाला सेशन। अभी देखते हैं कि कैसे इसको प्रोसीज करते हैं ये लोग। तो गाइस फाइनली लग चुके हैं कप और बीच में हम पूछते रहेंगे सर से कैसा फील हो रहा है। बस उसको ना किसी ने पकड़ लेता ना, ग्रैब कर लेता है। रिलैक्स फुल है मतलब। खारिश हो रही बाबे। अगर आप इसको देखोगे बाद में तो आपको देख कर ये लगेगा पता नहीं ये मेरे साथ क्या किया है। कुछ तो अभी थाइस का भी होने वाला है सर ने बताया। सर इसमें क्या एक्चुअली होने वाला है? ये ISTM टेक्निक होती है, मसल टेक्निक। तो इससे क्या बेनिफिट्स होगा? मसल रिलीज होएगा, जो भी आपके मसल टाइटनेस वगैरह कई बार हो जाती है। थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे, जो हमारे RBCs हैं वो उधर जाके लगेंगे, RBCs और WBCs। इसके वजह से कभी कभी पेन हो जाती है, कई बार नस चढ़ जाती है, वो रिजोल्व हो जाती है। जब भी आपके ऐसा कुछ हो और आपको कब थेरेपी करवानी हो, लेग्स फुल होना हो, सर के पास आ सकते हो। मैं आपको इसका कॉन्टेक्ट डिटेल और सारी चीजें मैं आपको मेंशन कर दूंगा लास्ट में, देखना जरूर इसको। तो गाइस मुझे तो बहुत अच्छा प्रोसीजर लगा। इफ अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तो बिल्कुल आऊंगा, जल्दी आऊंगा। गाइस फाइनली हो चुका है हमारा कप थेरेपी। शोल्डर रह चुका है, अभी शोल्डर पर लगवाएंगे और शोल्डर का भी पेन हटाएंगे आज। ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम। ये भी बहुत बड़ा पार्ट है इस चीज का, पाउडर लगाना। कुछ लोगों को खारिश होती है, बैक का हो गया, शोल्डर पे लग रहे हैं। फिर ऐसे कंधे आपके संजय दत्त वाले हो जाएंगे। तो गाइस फाइनली बंदा तंग हो चुका है। इसमें ज्यादा है जिसकी आपको वो देने आया है। क्या बोला तूने? हौसला, तुझे करानी है कब थेरेपी? तुझे नंगा होना पड़ेगा, लेकिन तो लेट गया, कहता मुझे करो, देख कर दो। पूरा ब्लैक पड़ चुका है ये वाला। लैक्टिक एसिड ज्यादा है इस पोर्शन पे, इसलिए ज्यादा डार्क हुआ है, अदरवाइज बाकी सब देखो लाइट लाइट ही है। लेग्स का काफी फिर अगर करवाने तो बैठ तो डालने पड़ेगा। हां तो कोई दिक्कत नहीं है, कोक्सो का है इसलिए। ओह माय, तैयार करेंगे आज आपको। ओह माय गॉड, पीछे से बैक चेक करो भाई की। Connected high, you and I, pinnacle climactic vibe. Show me yours, I'll show you mine. You don't have to pretend we're shy. Let's forget the 9 to 5. I just wanna feel alive. Take it slow, let it go. Roll down all the windows. बॉडी को लग रहा है कि यहाँ पे लगी है चोट, तो अपने WBCs वगैरह भेजेगी यहाँ पे और वही फिर WBCs को लगेगा चोट लगी है, तो फिर वही हमारी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो एक तरीके से धोखा दे रहे हैं हम, थेरेपिस्ट ऐसे धुंडा बन जाते हैं। लोग थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइजेस करके सबको करके लगता है कि वो बन गए डॉक्टर बन गए, पर नहीं पड़ती है। देखो सर ने इतनी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, हम तो सोचते हैं ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं वैसे होगा, बट कैसे होगा वो तो भाई इतनी स्टडी की हुई है, एजुकेशन ली हुई है, उसको बताओ। तो गाइस अब तो मुझे डर लगने लगा है इनके एक्सप्रेशन देख के। पेन जरूर है बट रिलैक्सेशन बहुत मिल रही है मसल्स को। गुड पेन है, बैड पेन नहीं है। थैंक यू सो मच। फाइनली कप थेरेपी डन, बहुत अच्छा लगा। सर ने थेरेपी करते करते उसकी नॉलेज भी दी, मतलब ज्ञान तो मिला ही मिला और रिलैक्सेशन भी मिल गया। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा कप थेरेपी का, जो कि बहुत अच्छा रहा। जैसे मैंने पहले बताया कि नॉलेज तो मिली मिली, रिलैक्सेशन भी मिला, और वो उसका रीजन था अमरुल्ला सर, इन्होंने बड़ा अच्छे से मेरे को ब्रीफ भी किया और बहुत अच्छी कप थेरेपी किया। तो होपफुली हम बैक टू बैक आपके पास विजिट करेंगे, मेरे फ्रेंड्स भी काफी आने वाले। थैंक यू सो मच सर। आपका सर इंस्टाग्राम अकाउंट? गाइस सारी डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे। लौंडे की हो चुकी है कप थेरेपी, अब लौंडा निकलेगा पूरा। बेटा तुम चूतिया नहीं हो, 15 सीजन हो जाएगा कराने की यार। देखो फाइनली अंशी गर्लफ्रेंड भी दिख गई, ऐसे ना बोला करो।